गाइस आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर ये तरीका अपनाओगे तो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में आप कभी फेल नहीं होगे और हमेशा आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार जो चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस अगर हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी कैसे बनाए। गाइस देखो, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो आप, या फिर थर्ड सेमेस्टर का देने जा रहे हो, या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोगों में से कुछ लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ लोग सेकंड ईयर में होंगे, कुछ लोग फाइनल ईयर में हैं, तो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। देखो, सबसे पहले प्लान और स्ट्रेटजी जरूर बनाएं। जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि कैसे हम स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे रोड मैप बनाएं एग्जाम का, तो सबसे पहले कि भाई रेगुलर स्टडी, जो कि मेरा पहला की पॉइंट्स है कि आप रेगुलर स्टडी ज़रूर करो। ये नहीं कि पूरे चार महीने का इकट्ठा कर लें फिर सोचें दो महीने में पढ़ लेंगे, तो रेगुलर स्टडी बहुत मैंडेटरी है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो गाइज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट है। सो अगर रेगुलर स्टडी कंटिन्यू अगर आप कर रहे हो, उसके अलावा प्लान बना लो कि हर सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है। कभी क्लास में टेस्ट हो तो आपको लगे कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। दूसरा, अच्छे नंबर लाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप न्यूमेरिकल पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें, थ्योरेटिकल से ज़्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान दें। अब ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल छोड़ ही दे, सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही ध्यान देना शुरू कर दे, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं फिर बैक लगने के चांसेस हो जाएंगे। न्यूमेरिकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में ये होता है कि भाई अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें नंबर कुछ कटने वाला नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट एड ऑन होता है न्यूमेरिकल में। उसके अलावा अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें तो उसको डायग्राम से आप समझाओ एग्जाम में कि भाई ये डायग्राम हमने बनाया, इस डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं, पॉइंटर में लिखते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी पॉइंटर है उस पॉइंटर में लिखते जाओ। तो जब ये सारी चीज़ें आप करते जाओगे, जब ये सारी चीज़ें जानते जाओगे, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद मैथ होता है, मैथ पे भी अच्छे कमांड आप करिए, मैथमेटिक्स पे उसमें अच्छे नंबर आते हैं, फिजिक्स के पेपर में, इलेक्ट्रिकल के पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में, इन सब में न्यूमेरिकल पोर्शन पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो वहाँ से स्कोर अच्छा आप कर पाओगे। उसके अलावा जब भी आप पेपर में बैठो, पेपर उल्टा करना शुरू करो। अब आप लोग कहोगे पेपर सर उल्टा करने से क्या होगा, उल्टा करने से ये होगा कि जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उसको सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये होगा कि मान लो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हमारा दिमाग बहुत शांत होता है और हम बहुत अच्छे से लिख ले जाते हैं, तो ज़्यादा नंबर वाले में भी जो आपको सबसे अच्छा आता हो उसको सबसे पहले लिखो। अगर आप ये प्लान और ये स्ट्रेटजी यूज करते हो गाइज, मैं 200% आपको लिखित में दे सकता हूँ कि आपको टॉप करने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, इतना पावर है इस स्ट्रेटजी में। क्योंकि इसी स्ट्रेटजी से मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप किया, इसी स्ट्रेटजी से इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक में मैंने बहुत सारे 80-80% मार्क्स लेकर के आया। सो आप भी ये प्लान और स्ट्रेटजी कर सकते हैं। मैं उतना ज़्यादा मेरा थ्योरेटिकल स्ट्रांग नहीं था, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, न्यूमेरिकल सेक्शंस में मैं स्कोर अच्छा कर लेता था, चीज़ें वहाँ मेरे लिए बेटर हो जाती थी। सो ये सारी चीज़ें प्लान करके ही होती थी, मैंने भी कहीं से सीखा, मैंने भी कहीं से एनालाइज किया। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मेरे लिए बहुत टफ था, थर्ड सेमेस्टर से मेरे लिए चीज़ें बेटर वे में जाने लगी। तो गाइज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप सीखो, जानो और फिर अप्लाई करो, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करें, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।